हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज की सुने में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स चैप्टर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स ये है चैप्टर सेवन साइंस का और आज के इस लेक्चर में जो है हम यही पढ़ने वाले हैं ओके सो अब हम स्टार्ट कर दें हाँ इस वाले लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं ओके Go outside and observe all the plants around you. Figure one Uh, 7.1. Do you see that some plants are small, some very big, while small are just a of green on the soil? Okay, some have green leaves, while some other have reddish ones, some have hung red flowers, so have tiny blue ones, while some have, have none. ओके वी डू सी अ वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एक्सर्टिंग ऑल अराउंड अस नियर ऑल होम ओके होम ओके बहुत सारे वेराइटीज़ जो होते हैं प्लांट के वो हम देखते हैं सारे घर के पास ग्राउंड के पास स्कूल जाते हुए स्कूल में स्कूल के पास ओके okay, ओके okay, बोलते हैं पार्क गार्डन इधर सब जगह पे जो है प्लांट्स होते हैं ओके okay? अब हम देखते हैं ओके लेट अस गेट द नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट दिस व्हाइल ही हेल्प अस हेल्प अस ओके अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड काइंड्स कैन यू टेक टेबल द स्टेम ब्रांच रूट लीफ फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शो इन फिगर 7.1 कलर द

सेकेंड प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू हमसे ज्यादा बड़ा ये तीसरा टाइप ओके यू फील देयर स्टीम एंड ट्राई टू बेन ग्रेटली टू सी इफ दे आर और हार्ड ओके सो जो होता है हार्ड उसे बोलते ट्री केयर दैट द स्टीम डज नॉट ब्रेक ओके स्टीम जो टूटनी ही चाहिए स्टीम क्या होती है अब वो समझाता हूँ सॉरी हर्ब हर्ब जो होता है वो स्मॉल होता है उस वो जो होता है वो उस वेजिटेबल्स uh, है जैसे हर्ब है वो ग्रीन प्लांट होता है और स्मॉल होता है जिसको वेजिटेबल्स एग्जाम्पल समझ लो स्मॉल होता है स्मॉल होता है और ग्रीन प्लांट होता है जिसके मतलब छो स्मॉल होता है हमसे छोटा होता है वो उसे बोलते हैं हर्ब शर्म जो है हाँ वो हमारे उतना होता है जैसे कि एग्जांपल बत एग्ज़ाम्पल बना टी वो एग्जांपल एग्जाम्पल okay? और ये जो थर्ड है ट्री ये हमसे बड़ा होता है आप बाहर जाओ नी, ट्री जो है ज्यादातर इंडिया में नीम के ये होते हैं देख लो उसको देख लो वो सादा ट्री है उसके उसके जो स्ट्रीम है अब आपको पता क्या आपको अब स्ट्रीम भी नहीं पता सबसे सब पहले वो जो है, अंदर की लकड़ी होती है वो बड़ी होती है ये समझ लो बस अब देखते हैं स्टीम और बाकी के पार्ट्स ऑफ यस यस पार्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट ओके ये हमने हो गया अब इसे ये देखो ये होते हैं ऐसे होते हैं ये शर्ब हर्ब ओके एग्जांपल वाटरमेलन स्टीम स्ट्रीम जो होते हैं अब सब सबसे पहले इसके डेफिनेशन ऑब्जर्व क्लोजली द ऑफ़ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू नोट डाउन पार्ट ओके आपको सबसे पहले देखना है भाई अब आपको समझ, सामने एक मेरे मतलब घर में ट्री तो नहीं होता होता है कुछ तेजस्वी लोग के होते हैं बहुत बड़े बड़े ट्री घर में अमीर लोगों के सामने ट्री है समझ लो जैसे कि ये ट्री है ओके और ये ये उसके और दूसरे ये निकल रहे हैं लकड़ियाँ है। ये जो है मेन जमीन रूट से तो ऊपर ये इत 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 बाकी के लकड़ियों तक ऊपर के पार्ट तक जो है अंदर जो लकड़ी होती है ना बिग वो होती है स्टीम उसे बोलते हैं स्टीम जैसे कि देखो एग्जांपल में भी मुझे एक डायग्राम मिला है जैसे कि ये देखो इससे इससे ये जो लकड़ी है ना मेन ये लकड़ी

वो तो अभी नहीं पहले ये मारा हो एक्टिविटी टू में वी वुड रिक्वायर्ड ओ रुको रुको सबसे पहले अब हम देख क्रीपर्स एंड क्लाइंबर क्रीपर भाई अब आप समझोगे माइनक्राफ्ट में जो क्रीपर होता है वो आके फाक फूट जाता है वो नहीं यार वो वो इसमें क्या सीखेंगे वो ग्रीन होता है वो एक पेड़ बनके के उगेगा ये थोड़ी सीखेंगे उसका नहीं क्रीपर जो है एक टाइप ऑफ यस टाइप ऑफ ट्री प्लांट्स जो बोलोगे वो उसका होता है ओके वो उसका होता है टाइप ऑफ क्रीपर क्रीपर में क्या होता है जो क्रीपर है क्रीपर की जो स्टिम है वो बहुत नाजुक होती है लुसफुस होती है नाजुक होती है इसलिए वो हमेशा वो स्ट्रेट कभी होता नहीं है एग्जाम्पल हिंदी में वेल वेल का जो पौधा होता है वो जो जमीनी पे जमीन पे जो क्लाइम करता है उसे बोलेंगे क्रीपर 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 क्रीप करता है वो यस इसलिए उसके नाम से ही जैसे कि देखो पंपकिन है वाटरमेलन है ओके अब हम क्लाइंबर देखते हैं क्लाइंबर जो क्लाइंब करता है भाई क्लाइम क्लाइंबर जो होता है उसमें एक है वो जो है, एक क्लाइम वो है वो जैसे कि दूसरे इसमें वो लकड़ी पे क्लाइम करता है लकड़ी और ये मेरा क्लाइम बारे ये ऐसे ऐसे करके ऊपर अरे हाथ फंस गया भाई भाई हाँ ओके वो जो ऊपर तक जाता है और उधर क्या करेगा ही उगे ही ना हाँ कॉमन सेंस जो मुझे है थैंक यू ओके ओके जो क्लाइंबर है सीधे से लकड़ी रो या दीवार रोया किस पे हो वो क्लाइम करता है और क्रीपर जो है क्रीपर क्रीप 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 क्रीप, 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 क्रीप आपके घर में आ जाएगा और वो क्रीप करते हुए आपको काटना पड़ेगा नहीं तो वो घर में घुस घुस के किधर किधर घुसेगा आप में भी घुस सकता है वो कृपया सावधान रहे ओके <laughs> सावधान रहे अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रीपर हो गया हो हो गया स्ट्रीम हो गई अपनी चलो क्लाइंबर हो अब हम देखते हैं ओके okay, एक्टिविटी जो है ये है एक्टिविटी आपको घर पे करनी है सबसे पहले आपको okay, ये एक्टिविटी आप घर पे कर लो okay, अब हम देखते हैं एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत सारी है टॉपिक जो है हमारे मिलने रहे अब हम देखते रूट वॉट इज रूट भाई रूट एक ऐसा पार्ट है जो नहीं रहे गा क्योंकि रूट से ही जो वाटर है जमीन सब ये जमीन है भाई मैं हाथ को एग्जांपल ले रहा हूं हां वो भी। ये जमीन है जमीन ये देखो ये, ये रूट है और ये ऊपर मेरा हाथ अरे थोड़ा गलत ओके ये मेरा ये रूट है और ये ऊपर हाथ ओके ये ये रूट रूट जो है स्टीम तो उगेगी नहीं अगर रूट पानी सप्लाई नहीं करेगा स्टीम में और स्टीम का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टीम जो है वो मेन इसलिए होती है क्योंकि वो लीव्स तक वाटर पहुंचाती है है लर्न कर लो दिमाग दिमाग में ये दिमाग है दिमाग दिमाग में घुसा लो घुसो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो ओके आई बनना है ना हाँ करना है ना कुछ बड़ो टाइम पास बस खत्म ओए रूट में जो रूट है एक पार्ट है एक पार्ट जो हमारे प्लांट को है हमारी यस वाटर तो पहुंचाती है रूट भी होगी एक्टिविटीज आपको सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल आप एक्टिविटीज जो है सारे एक्टिविटीज आप मतलब होमवर्क समझना और फिर एक काम करना वो सॉल्व करना और फिर कमेंट्स में लिखना हम्म क्या उसका रिजल्ट है कैसा हुआ वो एक्टिविटी ओके ये आपका होमवर्क या टास्क है ओके ओके अब हमारा रूट भी हो गया दो टाइप के रूप होते हैं एक होता है टैब रूप और एक होता है फोबियस रूट फोबियस रूट में क्या होता है सबसे पहले जो रूट है जिस रूट को आ, ये रूट है ये रूट है इसका मेन रूट कौन सा आपको रूट? फिक्स नहीं है क्योंकि जो है भाई मेन रूट जिसका फिक्स नहीं होता है उसके मेन रूट हमें दिखता नहीं है जिसे बोलते फोबियस रूट और टैब रूट है जैसे कि ये है ये मेरा वो तो फॉबे रूट में ऐसा था अब अभी अब ऐसा है अब इसका मेन रूट सीधा आ रहा है ये 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 होगा इसका मेन रूट और ये जो बाकी के रूट्स होगी इसे बोलते हैं टैब रूट ये दो टाइप है दिमाग में घुसाड़ लो दिमाग का टाइम पास जो डिलीट कर दो और ये उसमें डाउनलोड कर लो ओके फाइल में ये फिक्स कर लो कि कौन सा फाइल है और आप वो भी याद रखिएगा कौन से फाइल में है ओके 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 अब अब हम हम देखते देखते हैं हैं नेक्स्ट आगे okay, अब हम हैं। ब्रांचेस देखते हैं ब्रांचेस जो होते हैं ये ट्री है ट्री ऊपर जा रहा है और ये जो उसमें से अलग अलग लकड़ियां जो निकल रही है वो ब्रांचेस होते हैं ट्री के है। ब्रांचेस तो रूट्स तक जो है हमारे स, क्या बोलते क्या बोलते आइए मैं भी भूल गया थोड़ा सिस्टम सिस्टल क्या है सिस्टम जो ब्रांचेस तो इस तक होता है वो क्या होता है ओके यार भूल गया सिस्टम सिस्टम होती है ओके अब हम देखते हैं ब्रांचेस ओके ब्रांचेस मैंने बताया आपको

जल्दी से जाइए सब्सक्राइब लाइक मैंने वो बोल दिया है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो लेट्स बाय बाय